लिए है, उसके लिए अवेयरनेस किया जाएगा, उनको यहाँ से मदद मिल जाएगी, उनको गाइडलाइंस करने का काम यहाँ से किया जाएगा। कामयाब करने के लिए हमारे चेयरपर्सन साहब और उनकी तमाम टीम ने कोशिश की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह खादर इत्यादि साहब के हाथों से उनके आदेश पर हम लोगों ने दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो गरीब मुफलिस लोगों तक गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पहुंच पाती, जैसे कि MJPJY हो जाओ या ABPY हो जाओ या CM फंड हो जाओ, ये सारी स्कीम को हम किस तरीके से गरीब मजदूरों तक पहुंचा सकते, जो मुस्तैक लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमने ये दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर का आज उद्घाटन किया है। इंशाल्लाह आगे भी जिस तरीके से हम लोग पिछले दिनों में काम करते आए हैं, जब से खादर सब खादर बने हैं तो मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि समीर आप घाटी संभालेंगे, आप हॉस्पिटल संभालेंगे। पिछले कुछ दिनों में काफी मुलाकातें दीने सर से भी हुई, जो अभी वर्किंग डीन है घाटी के, उन्होंने भी काफी सारा सपोर्ट किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जो भी हमने पेशेंट्स की तकलीफें लेकर अगर घाटी में गए हैं तो दीने सर ने उसमें हमें काफी सपोर्ट किया है। एक आपको बात यह बताना है कि हम लोग किस तरीके से आवाम के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अवेयरनेस लेके आ सकते हैं। ये मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर का काम यही होगा कि हम लोग आपको अवेयरनेस बताएंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम लोग आपको एसेस करेंगे। कई सारे स्कीम्स में फ्रॉड ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर MGM में पिछले दिनों में एक वाकया पेश आया था कि गरीब की बच्ची थी, 8-10 दिन की बच्ची थी, पिछले 4-5 दिन से MGM हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ के स्टाफ ने उनको ये बताया कि आपकी MJPJY की स्कीम जो है तो खत्म हो गई, जबकि प्रोसीजर वाइज उसका कंटेंट ये है कि फ्रॉम द डे ऑफ जो है तो जब से बच्ची जो है तो। आपको नमस्ते, आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय MP महोदय और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन तथा सामने बैठे हुए सब मेरे भाई हैं, मुझे ये कार्यक्रम में शरीक होने का जो मौका मिला उसके लिए मैं खुद को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। और ये जो दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर बनाया है, इसको बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक्चुअली पब्लिक की बहुत जरूरत है। हम जो भी मुश्किलें आती हैं सिस्टम में, उसके लिए सिस्टम की जानकारी ना होना यह सबसे बड़ी मुश्किल है और उसी के लिए हमको ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो यह मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर से जो भी स्कीमें चलती हैं उनके बारे में पब्लिक को अगर जानकारी दी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी फ्री हो जाएंगी और सहूलियत से हो जाएंगी। गवर्नमेंट के सिस्टम में चलाते हुए कभी कभी हमारे लोग अगर ठीक से पेश नहीं आते होंगे या ठीक से स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो जाता होगा तो आप हमारे आप हमको बता सकते हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।